देश में कोविड-19 के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकारों को परेशानी में डाल दिया है। महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और मध्य प्रदेश समेत 10 राज्यों में स्थिति बेहद भयावह है। तमाम पाबंदियों के बावजूद रविवार को कोरोना संक्रमण ने सभी पिछले रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। देश में पहली बार एक दिन में 1.5 लाख से ज्यादा नए संक्रमित मिले हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में लोगों ने स्वेच्छा से लगाया लॉकडाउन। भारत में कोरोना की दूसरी लहर लगातार गंभीर होती जा रही है। देश में रविवार को पहली बार एक दिन में 1.5 लाख से ज्यादा नए संक्रमित मिले। वहीं 6 महीने में दूसरी बार 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इस बीच देश में उपचाराधीन संक्रमितों की संख्या 11,08,087 पर पहुंच गई, जो कोरोना की शुरुआत से अब तक की सर्वाधिक है। इसी बीच एक खबर मध्य प्रदेश से, जहां दमोह जिले में हिनोता शहर से आई है, जहां स्थानीय लोगों ने राज्य में बढ़ते मामलों के मद्देनजर शनिवार और रविवार को खुद ही लॉकडाउन लगाया है। एक स्थानीय ने कहा कि दुकानदारों ने स्वेच्छा से 2 दिनों के लिए अपनी दुकानें बंद रखने का फैसला किया है, इसे और बढ़ाया जा सकता है। कोरोना वायरस और वैक्सीन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।